चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। राजनांदगांव से इस वक्त मिल रही नक्सलियों ने एक ग्रामीण की हत्या की है। मुखबिरी के शक में ग्रामीण को मौत के घाट उतारा है। नक्सलियों ने घटनास्थल पर नक्सली पर्चे भी फेंके हैं। थाना बाग नदी के शेरपाल गांव की घटना बताई जाती है। मौके पर पहुंची पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। सर्चिंग क्षेत्र में लगातार की जा रही है। तो नक्सलियों ने घटनास्थल पर पर्चे फेंके हैं। थाना बाग नदी के शेरपाल गांव की पूरी घटना बताई जाती है। मौके पर पुलिस बल मौजूद है जो लगातार सर्चिंग में जुटी हुई है। तो राजनांदगांव से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने एक ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया है। बड़ी खबर बता रहे थाना बाग नदी के शेरपाल गांव का ये पूरा मामला बताया जाता है। मौके पर पहुंची पुलिस सर्चिंग में जुटी हुई है। तो नक्सलियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर उसको मौत के घाट उतार दिया और न केवल उसको मौत के घाट उतारा है बल्कि पूरे क्षेत्र में दहशत फैलाने की कोशिश भी की है, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं। और आपको जानकारी दे दें कि पहले चरण का जो चुनाव है वो हो चुका है, दूसरे चरण के चुनाव अभी छत्तीसगढ़ में होना बाकी है। उससे पहले लगातार न केवल चुनावों का बहिष्कार इनके द्वारा किया जाता है बल्कि वक्त वक्त पर इस तरह की जघन्य अपराधों को इनके द्वारा इसलिए अंजाम दिया जाता है कि दहशत का माहौल हमेशा बना रहे। तो ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया है और उस मुखबिरी के शक में ये वारदात को अंजाम दिया है नक्सलियों ने। टीकमगढ़